नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिस बिजनेस का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबको भरपूर प्रोटीन नहीं मिल पाता है। सभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको भी खाना है, हमको भी खाना है, सब लोग खाते हैं, और इसी जो है रासायनिक खादों के प्रयोग की वजह से हमको जो हमारी डेली की डाइट है उसमें भी हमको प्रोटीन्स बराबर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट का डिमांड कभी कम नहीं होगा। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी आजकल जा रही बीमारियां आती जा रही हैं, कोरोना वायरस आ रहा है, इसे तमाम वायरस आ रहे हैं जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी वीक हो जा रही है। तो दोस्तों आज हम देखिए दोस्तों, ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे हम लोग भी या कोई भी बिजनेस आइडिया बताता है तो कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं। दोस्तों हम लोग तो अपने विचार शेयर कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं आपसे, कुछ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। दोस्तों आप हमारे विचार को सुनिए, आपको कितना अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, आप उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे तो हम लोगों को और अपने विचार शेयर करने में अच्छा लगेगा, आप लोग भी अच्छा डेवलप करेंगे। दोस्तों जैसा भी हो दोस्तों, कुछ गलतियां हो जाती हैं, बोलने में हो जाती हैं, कुछ भी हो जाते हैं, उसको आप लोग जान लीजिए नहीं सुने हैं, जो अच्छी चीज़ें हों सुनिए, आपको जो फॉलो करने लायक हो फॉलो करिए। हाँ ये है कि कितने लोग बिजनेस को सुन सुन के अपने आप को अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको किसी को कुछ कह के गलत कमेंट करके क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों की बातें या जो भी बिजनेस आइडिया बताते हैं सब लोग अपने अपने विचार शेयर करते हैं, आप उनके विचारों को सुनिए, जैसा भी लगे उसको आगे। चलिए दोस्तों हम समय को ना वेस्ट करते हैं, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं फुल फुल। देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आज एक ही प्रोडक्ट कमा के लॉन्च करके लाखों करोड़ों रुपए कंपनियां कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। सिर्फ हमारे आपके अंदर जुनून और जोश होने चाहिए कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। तो दोस्तों आज हम एक प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोटीन पाउडर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉफिट है, सब कुछ हम आपको A to Z बताएंगे, कैसे बनेगा, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराइए, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितना आता है, यानी कि A to Z हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए हम इन टॉपिक पे आते हैं। जैसे हम आपको रिक्वायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमको एक रूम की ज़रूरत होगी 120 स्क्वायर फीट। ये रूम इसलिए हमको लेना है क्योंकि आपको उसी रूम पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पे आप जो भी अपने दुकान का अपने ऑफिस का जो भी नाम डिसाइड करेंगे वो बोर्ड लगाएंगे, वहीं से आपकी एक पहचान होगी। और आप जहाँ तक कोशिश करिए कि ये दुकान हमारी जो हो, ये दुकान अच्छा होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट में हो या जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा बढ़िया हो जाए, जिससे आपका जो माल आए, माल को फिर वहाँ से डिलीवर करना हुआ। तो ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वजह तो कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड हो, लेकिन लोकेशन थोड़ा सा ठीक ठाक रहती है तो हमारे जो है ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज बच जाते हैं। तो हमको एक रिक्वायरमेंट एक रूम की होगी 120 स्क्वायर फिट, और जिसको हम उसी दुकान पर ले जाओ। और दूसरा हमको क्या ज़रूरत है, GST नंबर, एक GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कास्ट होता है, आप किसी भी जनसुविधा केंद्र से ले सकते हैं या सेल टैक्स ऑफिस में कुछ एक वकील होते हैं वो उन्हीं का सेल टैक्स का लेना लेखा जोखा करते हैं, उनके द्वारा ले सकते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे, 1,500 2,000 500 जैसे भी आपका हो जाए। अगर आपके कोई घर का है या संपर्की है तो ले सकता है। और एक FSSAI नंबर जो है फूड आपका, चूंकि ये प्रोडक्ट जो आता है फूड प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट होता है, फूड प्रोडक्ट को करने के लिए ये आप जो कंपनी का नाम कर रहे हैं काम करेंगे, ये मार्केटेड बाय बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग दूसरी होगी, इस पर हम विस्तार से बता रहे हैं, अभी हम आपको रिक्वायरमेंट बता देते हैं एक FSSAI नंबर लेने के लिए। और एक आपको अगर आप बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं तो आपको एक ब्रांड नेम, एक यूनिक नाम अपने प्रोडक्ट का यूनिक नाम रखना होगा, जिससे देखने में अच्छा लगे, जैसे और कंपनियां हैं
कॉम्प्लान, सब तमाम है, जीआरडी पाउडर, प्रोटोनिक्स, तो ऐसे कुछ आप एक नाम अच्छे से चॉइस कर लें जिससे कि सुनने में भी लगे और सबके जुबान पे आसानी से आ जाए। और उसको एक रजिस्टर्ड करवा लेना है दोस्तों। क्या करवा लेना है? ट्रेडमार्क ले लेना है, ट्रेडमार्क आर रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड करवा लेना। इसको लेने से 6,000 रुपये काफ्ट आते, कितना दोस्तों? 6,000 रुपये। इसको लेने से क्या प्रॉफिट होगा? इसको लेने से आपका जब ब्रांड बन जाएगा तो ब्रांड के नाम से कोई और नहीं बना सकता। इसलिए दोस्तों आपको ये इस अपने प्रोडक्ट का जो है जो भी नाम रख रहे हैं उसको आप रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा या ट्रेडमार्क, यानी 6,000। उसकी फीस तो 4,500 है, लेकिन आप अपना करेंगे नहीं, किसी सीए के द्वारा करेंगे। अगर अपना भी आप कर सकते हैं, अब तो तमाम सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं, आप अपना भी कर सकते हैं, तो 6,000 मान के चलिए। और जो भी आप प्रोडक्ट पाउडर लॉन्च कर रहे हैं वो आपको 250 ग्राम में लॉन्च करना है, 250 ग्राम में डिब्बे में लॉन्च करना है। और जब ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जो नाम यूनिक ले रहे हैं उसको बढ़िया नाम होना चाहिए। तो आपका 250 ग्राम हो गया। कितनी क्वांटिटी में बनवाना है? वैसे तो 500 भी बनवा सकते हैं 1,000, लेकिन 500 से नीचे नहीं बनेगा। बन तो जाएंगे लेकिन अच्छी कंपनियां नहीं बनाएंगी। हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी वेस्ट लेना है, प्रोडक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करना है। अगर आप प्रोडक्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर लेके जाएंगे, तो आपको ये क्वांटिटी बढ़ा के रखना पड़ेगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट बनाती हैं, वो थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल कंपनियां छोटी बैच नहीं लगाती हैं। अगर आप बड़ी बैच लेके चलते हैं तो बड़ी बैच लेने में फ़ायदा भी होता है और आपकी क्वालिटी भी बेटर रहती है, छोटे बैच नहीं ले। और हमारी हमको ये देखना है कंपनी कैसी हो। थर्ड पार्टी हम जिससे बनवा रहे हैं इसको कहा जाता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो हम थर्ड पार्टी जिससे बनवा रहे हैं वो जो होनी चाहिए WHO GMP ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए। हमको इधर उधर से छोटी कंपनियों से नहीं बनवाना है दोस्तों, हमको बड़ी कंपनी से बनवाना है। शुरू में ही हमको मार्केट में एंट्री करना है, तो हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके ही एंट्री करना है, नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट। तो क्या करना है? WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। फार्मूला जो हम लेना, जो हम प्रोटीन पाउडर बनवा रहे हैं, आप मार्केट में सर्च कर लीजिए या देख लीजिए दोस्तों। अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता दे रहा हूँ को आपको किस फार्मूले बनाना, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं उसको बता दूंगा। तो अभी अगर हम पूरा डिटेल लेके दोस्तों चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाते हैं। आप लोग ये सोचते कितने कम से कम, अभी मैं बता रहा हूँ तब भी आप लोग भगा भगा के, अरे मैं तो सब जान रहा हूँ, मेन पॉइंट बता दे। तो दोस्तों तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला जो हो न्यू फार्मूला हो, यानी ओल्ड फार्मूला रहे, न्यू फार्मूला प्लस DHA, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें आते हैं जो न्यू फार्मूले में होते हैं, या Omega-3 Fatty Acid, ये तमाम हमको सर्च कर लीजिएगा सबसे न्यू फार्मूला। या जब कंपनी से आप कॉन्टेक्ट करेंगे, बात करेंगे बनवाने के लिए, तो आपको बता देंगे, आप बता दीजिएगा हमको लेटेस्ट फार्मूला चाहिए, वो आपको लेटेस्ट फार्मूला का रेट सब कुछ मेल करेंगे, तो आप उनसे बात कर ले। अब बात हो गई, न्यू फार्मूला होना चाहिए, ट्रेडमार्क हो गए। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये उठती है कि आपको कंपनी कहाँ से लेना है, कंपनी कैसे सर्च करेंगे दोस्तों, कंपनी कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, जो मेन बात होती है। तो जैसे दोस्तों आपको गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो कंपनियों की लिस्ट आ जाती है। नहीं तो दोस्तों एक सिम्स और ड्रग टूडे IDR, ये जो है एक मेडिकल की बुक आती है, 100 रुपये में मिलती है, इसको आप ले लेंगे तो सारी कंपनियाँ अपना उसमें डिटेल दिए रहती हैं, वहाँ नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स पूछेंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा दोस्तों। तो जैसे आपने वहां से नंबर उठा लिया, मान लीजिए आपने नंबर पा गया गूगल से सर्च करने के बाद, तो दोस्तों आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेंगे आपका कंपनी का नेम क्या है। आपको ऐसे नहीं बना देंगे, आपको कंपनी का नेम मांगेंगे, तो आप कंपनी जो आप डिसाइड किए हैं इस रूम पे कंपनी का नाम बता देंगे। तो और ये लाइसेंस वगैरह पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। ये दोस्तों होने के बाद आपसे पूछेंगे कितना बनवाना है, आपसे क्वांटिटी पूछेंगे तो आप क्वांटिटी बता दीजिएगा, 1,000 बनवाना है कि फार्मूले पे, तो आपको वहाँ से आपका मेल आईडी मांगेंगे, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे। तो कंपनियाँ इतना चीज़ आपको कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर भी वो सारी डिटेल अपने कंपनी का रेट वगैरह दे सकते हैं और मेल पर भी दे सकते हैं।
हाँ, अगर आपको और प्रूफ चाहिए और वेटर की हाँ हम ऐसे बात करके पैसा भेज दे रहे हैं, मेरा पैसा कहाँ चला जाए ना मिले, तो प्रश्न उठता है ना, तो आपको क्या करना है, आप कंपनी में विजिट कर सकते हैं। बाप इतना पैसा कमाने जा रहे हैं घर बैठे हैं, तो 1,500 रुपये ऐसे खर्च कर दीजिए। सारी कंपनियां जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश में है, देहरादून में है, हरिद्वार में है, तो आप विजिट कर लीजिए 1,000-1,500, या आप इर्द गिर्द हैं उस उधर के आस पास के हैं तो आपका बजट कम होगा। अगर आप यूपी कहीं से हैं तो कुल आना जाना है यानी 1,500 रुपये खर्च हो जाएगा। तो आप जब कंपनी में विजिट कर लेंगे तो वहाँ पे अच्छे से जो है आपका आपको नाश्ता पानी सब कंपनियाँ देती हैं। वहाँ जा करके बैठ करके उनका पैकिंग देख लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, वो आपको दिखा देंगे, तो वहीं पर आप रेट ले लीजिएगा। सब कुछ लेने के बाद डिसाइड कर लीजिएगा तो आप उनको जो है पेमेंट वगैरह दे दीजिएगा। तो पेमेंट देने के बाद वो आपको 25 से 30 दिन के बाद माल आपके यहाँ डिलीवर करती हैं। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी में बात होगी, कंपनी से कैसे प्रोडक्ट बनेगा ये सब की बात, तो आपसे वो पूछेंगे। देखिए एक चीज़ और पॉइंट देना है दोस्तों, आप एंट्री कर रहे हो मार्केट में, पहली बार एंट्री कर रहे, एक चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट जो हो वर्ल्ड क्लास का हो, पैकिंग वर्ल्ड क्लास की हो, डिब्बा छोटा मत रखिएगा। भले पाउडर 250 ग्राम है, कभी कभी आप मार्केट में देखिए, अगर कोई भाई बंधु देख रहा है, दोस्त मेरे देख रहे हैं जिसके पास मेडिकल है, तो तमाम ऐसे पाउडर आते हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में आपके पास प्रोटीन पाउडर हो, लेकिन दोस्तों हमको नहीं लेना है। तो उसमें क्या होता है, 10 ग्राम यानी कि ये 10 ग्राम की क्वांटिटी इतना है, इतने ग्राम की क्वांटिटी इतना है, तो हमको देखना है इस 10 ग्राम्स में कितना रखा गया, इस 10 ग्राम में, तो वो क्वालिटी हमको जो मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोटीन पाउडर बन रहे हैं उनमें आप देख लीजिएगा, इतने ग्राम में उनका कितने कितने कंटेंट है, इंडिकेशन है, वही चीज़ आप सेम डलवाइएगा। और जो है आपका डिब्बा, जैसे मान लीजिए डिब्बा कभी भी पैकिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे भले आपका 250 ग्राम है लेकिन 250 ग्राम में जो है आपको डिब्बा बड़ा रखना है, देखने में लगे हाँ भैया इतना पैसा ले रहे हैं तो डिब्बा बड़ा हो, भले अगर आप 250 ग्राम भरेंगे तो इतने में हो जाएगा लेकिन वो तो छोटा सा लगेगा, तो आपने तो डिब्बे आपके बड़े होने चाहिए, पैकिंग आपके अट्रैक्टिव होने चाहिए, कलर वगैरह डिजाइन, तो एक कंपनी आपको जब आपसे उनसे डील हो जाएगी तो कंपनी आपको डिजाइन करके आपके पास मेल करेंगी, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कैसे है। तो ये सब डिसाइड करने के बाद आपका प्रोडक्ट हो गया, आपने प्रोडक्ट नेम चॉइस कर लिया, सब कुछ चॉइस कर लिया, तो अब आपके बात क्या होती, अब आपके पास बचता है सेल करने का, आपका इन्वेस्टमेंट रूम सब कुछ हो गया दोस्तों, अब आपको फिल करने का, आपके पास मान लीजिए 1,000 बनवाया, अब आपके पास 1,000 माल बन के तैयार हो गया। जो मेन बात, माल तो सब बनवा ले, पैसा सब लगवा ले, लेकिन हमारा जो मेन जो पैसा होता है डिफिकल्ट हमको कहाँ से होता, बेचने का, हमको बेचना कैसे दोस्तों। अब जैसे मैं ये आप लोगों से सिचुएशन करना चाहता हूँ सजेस्ट कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग इसमें वीडियो देख रहे हैं जिनके घर के कोई डॉक्टर हैं, जिनके कोई यार दोस्त डॉक्टर हैं, या जिनके नात बात कोई डॉक्टर हैं, एक भी अगर MBBS है, एक भी डॉक्टर उनके घर का नर्सिंग होम चल रहा है, तो दोस्तों उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपना बैठ करके उनसे मान लीजिए इस डॉक्टर के पास, कभी कभी ऐसे ऐसे हमारे साथ जानने वाले हैं, हमने 2005 में दोस्तों लॉन्च किया, अब मार्केट में उतरा था, तो मेरे पास उस समय पूंजी नहीं थी, मैं 2000 से एक ही प्रोडक्ट का मल्टीविटामिन कैप्सूल मंगा करके मैंने 2000 से शुरुआत किया था, और 5 साल मार्केट में हमने मार्केटिंग का काम किया। उसके बाद हम जो है 5 साल बाद खुद मैंने 2012 यानी 2005 में 2010 में मैंने खुद अपनी कंपनी को लॉन्च किया था मार्केटेड वाई। तो दोस्तों आपका अनुभव भी हो जाएगा, तो मैं तो 2000 से मल्टीविटामिन कैप्सूल मंगा के शुरुआत किया था, आपको प्रोटीन पाउडर, तो जो ऐसे जो मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कंपनी वो है, आप सिर्फ मार्केटेड कर रहे हो, तो मार्केटेड प्रोडक्ट के लिए यही 2 कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसको बेच सकते हैं। आपका धीरे धीरे जब ब्रांड लेवल बन जाए, आपकी बड़ी कंपनी हो जाए, तो आप प्राइवेट लिमिटेड करवा लीजिएगा दोस्तों, तब तक आपके पास नॉलेज ही हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएगी। तो हमने ऐसे बेचा था, मांगा करके, मैं तो ऐसे भी ट्रांसपोर्ट से मंगवा लेता था, कुरियर से मंगवा लेता था, कभी कभी जो है रेलवे स्टेशन पे मंगवा के बेचता था, तो मेरे पास लाइफन था ना, कुछ ना कुछ, मैं कुछ नहीं था, एक कमरे में रहता था और उस कमरे से मंगा के ही डिलीवर करता था। तो दोस्तों ये है, बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी की ज़रूरत नहीं, अगर कोई आप फार्मा किए हो, फार्मा करके 10,000 नौकरी कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो और दोस्तों खूब अच्छा पैसा कमाओ,
कुछ नहीं है। तो अगर किसी के घर नात भात रिश्तेदार जानने वाले हैं तो डॉक्टर फिर कॉन्टेक्ट करो, डॉक्टर फिर लिखवाओ। मैं आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आपका डिसाइड हो गया, लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कहूँगा दोस्तों, प्रोडक्ट से कभी समझौता मत करिएगा, क्वालिटी नंबर वन लीजिएगा, पैकिंग नंबर वन होनी चाहिए, डिब्बा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट को देख के मेडिकल स्टोर में रखा जाए तो लगे कि हाँ ये आपका ब्रांड दूर से ही दिख रहा है। तो ब्रांड के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो ये हो गया। अब दोस्तों बात हो गई सेल करने की, आपका 1000 पीस बन के आ गया। अब बात करने वाली हो गई सेल की। तो दोस्तों हाँ, आप बेचने के लिए अभी आप कुछ लिटरेचर छपवा लीजिएगा, बिजुलेट मत छपवाइएगा। बिजुलेट जब आप किसी लड़के को हायर करिएगा, आप काम अपना बढ़ा दीजिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट से दो डिस्ट्रिक्ट में कर दीजिए, तो आप लड़के को रख दीजिएगा, MR रख दीजिएगा, आप डील करिएगा, तो उसमें आपका 86% बचेगा। तो आप बाकी लड़की को देके बढ़िया फिर डीलिंग करिएगा दोस्तों, 2 जिले 3 जिले 5 जिले करिए। आज एक एक प्रोडक्ट से डॉक्टर आर्थो देख लीजिए, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट नाम नो मार्स, तमाम ऐसे ऐसे ब्रांड है, कितना मैं ब्रांड बताऊं। हाइट कैप्सूल देख लीजिए कैसे बिक रहे हैं, एक एक ब्रांड का एडवर्टाइज करके कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं इनकी कॉस्ट कितना कमाती होगी। लेकिन हाँ कॉस्ट कम आती है, लेकिन ये लोग मार्केट में एडवर्टाइज में पैसा दिया जाता है और तमाम हैंडल किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में या कंपनी जो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे 80% मार्केट में खर्च हो जाता है। RSM, ZSM, ट्रांसपोर्टिंग, तमाम चीज़ें, एडवर्टाइज और प्रमोशनल मटेरियल, तो 70-80% कंपनियों का खर्च हो जाए। तो आप प्रोडक्ट लॉन्च करके आप खुद बेच रहे हैं, ये 70-80% आपका ही होगा। ये नहीं है कंपनियां कुल लूट लेती हैं, कोई नहीं लूट लेता। हमको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में कितना पैसा खर्च हो जाता है, 70-80% हमारा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने। तो बात हो गई, आपके पास प्रोडक्ट बन के आ गया दोस्तों। अब बात हो गई हम प्रोडक्ट की रेट कैसे रखें। आपका 200 ग्राम का आ गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में जैसे आपका प्रोडक्ट वेट, MRP, ट्रेड रेट और प्रॉफिट। अब आपकी बात आ गई, अगर आप मार्केट में नहीं है इस क्षेत्र में तो आपको ट्रेड और MRP का पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, कोई निजी प्रैक्टिशनर, तो आपको पता होगा ट्रेड रेट का मतलब रिटेलर रेट। तो जैसे MRP का 20-25%, MRP का 20-25% ट्रेड रेट होता है दोस्तों, ये ट्रेड रेट होता है। और ये तो डील हो गया। तो जैसे मान लीजिए जो प्रोटीन पाउडर है इस समय मार्केट में, वो 350 से 400, 450, 500, यानी कि कुछ लोग जो है मार्केट में फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट हैं उनका तो 450-500 प्रोडक्ट है। कुछ लोग जैसे हम बता रहे हैं ऐसे बनवा के बेचते हैं, उनका भी 400-500 रुपये है और वो डॉक्टर से लिखवा के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये रेट आप अपने ऊपर देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कितना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लिख देते हो तो जो डॉक्टर लिख रहा उसको भी लगता है कि भाई अरे इतना ज़्यादा लिख देंगे, पेशेंट एक प्रोडक्ट पे इतना पैसा दे देगा तो और क्या करेगा। तो इसलिए बीच का रेट रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। आप 380 रख दीजिए, इससे भी कम रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 250 रख सकते हैं, आप 400, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना रखिए, चूँकि जिससे एक ग्राहक के पहुंच से दूर ना हो। तो जैसे मान लीजिए आपने 350 रुपये रखा, उसको 25% हमने यहाँ पे क्या किया है, -25% ट्रेड, 25% ट्रेड में आ गया 285 रुपीज़, 285 रुपीज़ आ गया। ये बीच का जो मार्जिन है, यानी कि 105 रुपये क्या आ रहा, 100 रुपये, 105 रुपये, 21 का जाएगा, ये जाएगा मेडिकल वाले का, यानी ट्रेड जो मेडिकल स्टोर है। लेकिन आपके पास आएगा 120 रुपये और बेचना, तो टोटल पीस आपने कितना मंगवाया, 1000 पीस, 1000 पीस। अब आपको शुरुआत के प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना है। अब इस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में आपको मेडिकल वाले को डील भी देना पड़ेगा, या आप अगर प्रोडक्ट को लिखवा रहे हैं डॉक्टर से तो वो डील उसको ना दे करके, क्योंकि जब डॉक्टर लिखेगा तो मेडिकल वाले को प्रोडक्ट रखना ही पड़ेगा। तो ये 20% आप किसको देंगे, जिस डॉक्टर से लिखा रहे हैं। तो 20% इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए आपको समझाने के लिए। तो जैसे 20% आपने डील किया, तो 20% 1000 पे 20% आपके पास कितना बचा, 800 पीस। अब आपके पास 800 पीस जो है माल बचा है, 800 पीस का बाकी 200 पीस आपका डील में चला जाएगा, या 20% आप चाहे कैश मान के चलिए, चाहे प्रोडक्ट की डील मान के चलिए, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट को देना, या जो डॉक्टर आपका लिखेगा उसको आप प्रमोशनल मटेरियल देंगे।
अब बात आ गई दोस्तों फिल की। अब फिल की हम बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहाँ भी आपने अपने दुकान का सेंटर रखा है, वैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट से जो है रोड, डिस्ट्रिक्ट से चारों तरफ रोडें होती हैं। एक रोड जो है 40-50 किलोमीटर पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है एक क्षेत्र में। मान लीजिए आपके पास 7 दिन है, 7 दिन आपको अभी शुरुआत में काम करना है, अच्छे से मेहनत करना है, अगर आपको लगन है, आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों आप 7 दिन डिसाइड करेंगे, सोमवार को मैं इस दिन जाऊंगा, इस रोड पे जाऊंगा, मंगलवार को इस रोड जाऊंगा, बुधवार को इस रोड। तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, जो बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उतने समय उतने टाइम टेबल पर आपको वो काम करना ही करना है, वहाँ से नहीं हटना है। जैसे मान लीजिए सोमवार को आप इस रोड पे गए, आप दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है एक रोड पे अगर आप 50 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, कम से कम 100 डॉक्टर मिलेंगे। मैं तो कम बता रहा हूँ और होगा। आज छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे आप अगर 20 दुकानें बन गए तो उसमें 3-4 डॉक्टर की हो जाती है, 2-3 मेडिकल को हो जाते, 2-3 किराने, जो पॉपुलर दुकानें किराने और पान मिठाई की चाय हो जाती, ये सब दुकानें जल्दी से खुल जाती, तो वहाँ पे 1-2 निजी प्रैक्टिशनर और 2-3 मेडिकल वाले ज़रूर होंगे। तो आपने अगर 50 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो कम से कम 20 डॉक्टर को आप कॉन्टैक्ट करें। कितने डॉक्टर को? 20 डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। एक डॉक्टर को आपके एक हफ्ते बाद फिर जाना है तो उनको आप 20 पीस, 5 पीस तो दे ही सकते हैं। तो उसमें कुछ छोटे डॉक्टर मिलेंगे, कुछ बड़े डॉक्टर, लेकिन अभी आपको जो कवर करना है वो कंज्यूमिंग डॉक्टर को करना है, अभी प्रिस्क्राइब को नहीं करना। अगर आपके पास पूंजी है तो आप जान रहे हैं, चलो ठीक है मैं पूंजी यहाँ फंसा देता हूँ, फिर मैं अगला पूंजी माल मंगवा लूँगा। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप कोशिश करिए नकद देने का, और प्रिस्क्राइब डॉक्टर को ना कर करके कंज्यूमिंग डॉक्टर को लीजिए, निजी प्रैक्टिशनर को लीजिए, नर्सिंग होम को लीजिए, वहाँ पर आप अपना माल रखिए। तो वहाँ से क्या होगा, आज मान लीजिए आप उनको 5 पीस दे रहे हैं, 5 पीस का हो गया 1200-1300 रुपये, तो 500-600 आराम से दे देंगे, आपकी पूंजी निकल आएगी। फिर उसके बाद आप अगले हफ्ते जाएंगे, माल लेंगे, फिर वो पैसा ले लेंगे। तो एक रोड पे आप गए, आपने 5-20 डॉक्टर को कांटेक्ट किया और 5-5 पीस दिया, आपने 100 पीस दे दिया। अगर 100 पीस आपने वहाँ पे दे दिया तो उसमें से 100 पीस का हो गया 10-12 हज़ार रुपये, कितना हो गया, 285 हिसाब से 13-14 हज़ार रुपये हो जाएगा, आपका आधा मिल गया, 7 हज़ार रुपये आ गया आपका, 7 हज़ार रुपये। फिर अगले हफ्ते उनको माल दीजिए और बकाया पैसा लीजिए, कुछ माल उधर से लीजिए। तो जब आपका ब्रांड बढ़िया है तो लोग जब वो मार्केट में निकलेगा दोस्तों, ये जान लीजिए कोई भी बिजनेस का फंडा हो ग्रो करता है धीरे धीरे, जब उसको लोग लाइक करेंगे, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, पेशेंट पिएंगे, कोई भी उसको पिएगा उसको लगेगा नहीं वास्तव इसमें दम है, फिर वो जब डब्बा लेके खोजने लगेंगे तब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, तब आप प्रोडक्ट लेके कोई खोजता है, तब आप वहाँ पे डील ख़त्म कर सकते हैं, तब आपको डॉक्टर भी आपसे मांगेगा नहीं भैया हमको दे दो, तब आपको जहाँ वहाँ 25% दे रहे हो कह दो नहीं भैया इस समय कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है हम इतने में। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। तो इस तरह से आप 7 दिन अगर फेल कर रहे हैं, एक रूट में 20 डॉक्टर, एक दिन का देखिए सेल, एक दिन का आप 20 डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, 5 पीस दे रहे हैं, तो आपने जो है 30 दिन काम किया तो आपने 100 डॉक्टर कितना पीस बेचा, 100 पीस, एक दिन में कितना 100 जा रहा है। 20 डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक डॉक्टर को 5 पीस दे रहे हैं, तो 100 पीस पर डे निकल रहा है आपका, 30 दिन का 3000 पीस हो गया। एक पीस का रेट 285, वहाँ पर हमने ट्रेड घटा दिया है आपका, 285 हो गया। तो 285 को आप डिवाइड करोगे, 855,000 आपका एक महीने की इनकम हो गई, ये इनकम हो गई। अब आप इसमें ये भी बात है, ये चीज़ हमने नहीं बताया, अब एक साल का आप देखिए 1,02,60,000 रुपये। तो दोस्तों अभी इसमें हमने ये नहीं बताया, हमने तो आपको प्रॉफिट बता दिया ये कैसे बेचना है। अगर आप एक दिन में 20 डॉक्टर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक डॉक्टर को 5 पीस दे रहे हैं, तो 100 पीस आपका निकल रहा है, तो इसलिए तो ये हो गया। अब तो आप एक विचार में होगा कि सर आप तो बताया ही नहीं कितने मेरा बन रहा है। हाँ दोस्तों हम आपको बता दें, अगर 80%, जैसे हमने आपको बताया था कंपनियाँ 70-80%, कितना 70-80% इन्वेस्ट करती हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में तमाम जो खर्चे आते हैं, तो 80%। लेकिन 80% अगर आप घटा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख को 1,000 से भाग दे देंगे, तो आप मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट जो बनेगा 250 ग्राम का,
अगर अच्छी क्वालिटी का लेके चलते हैं, न्यू फार्मूले का दोस्तों लेके चलते हैं और बढ़िया कंपनी से बनाते हैं, WHO GMP 35 कंपनी से बनवाते हैं 50 से 60 रुपए में। कितने में दोस्तों? 50 से 60 रुपए में आपका एक पीस बन जाएगा दोस्तों। और आप बेच कितने में रहे? 280 रुपए, यानी कि 200 रुपए, चलिए मैं मान लेता हूँ 85 रुपए में बन रहा, और खर्चे मान लेता तो भी आपका एक पीस के पीछे 200 रुपये बचना ही बचना है, ये लॉजिकली है। इसी तरह से सब कंपनियां कमा रही हैं, सब खर्चा कर रही हैं। आप कुल्फी का कंपनी का प्रचार देख लीजिए। और दोस्तों ये न मत पूछिए कि एक प्रोडक्ट से कितना कमा, एक प्रोडक्ट से बहुत कमा सकते हो। आप बैठे हो क्या कर रहे? आप किसी की नौकरी, चलिए मैं बीस डॉक्टर का ले लिया, एक एक डॉक्टर हमने 5-5 पीस ले लिए, चलिए 20 डॉक्टर नहीं लेते, आप एक दिन में 3 डॉक्टर को बेची, आप एक दिन में 5 डॉक्टर को बेची, आप एक दिन में 5 पीस बेची तो भी 1,000 हो गया, तो भी 30,000 आपका हो गया। और कितना कम लेंगे? 2 पीस बेचिए तो भी 4,000 हो गए। क्या भैया आप अपने ब्रांड कर रहे हो? अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए दिन रात तो मेहनत करना ही पड़ेगा, अपना ब्रांड बना रहे हो। एक दिन यही आपका ब्रांड बनते बनते आप मार्केट में छा जाओगे। कितना कंपनी है, एक एक तेल ही तो बेचती, हिमगंगे कितना बिकता है, एक ही ब्रांड है, बहुत ब्रांड है तो उनके बहुत बिकते होंगे। इसी तरह से तमाम है प्रोडक्ट हैं बेच रहे हैं, तमाम तेल आप देखिए एडवर्टाइज आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत हैं। आप देखिए कोई भी ब्रांड ले लीजिए, सब इसी तरह से होता है। तो आप मार्केटेड करिए, मैन्युफैक्चर का चक्कर छोड़ दिए, आप मार्केटेड बाई करने के लिए जो कागज की रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमने बता दिया, ये फूड प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एक कागज, सब कुछ कागज से करिए, कोई फर्जी का काम मत करिए दोस्तों। वीडियो जैसा भी लगा हो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए। आप हमसे और जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम इस तरह से तमाम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा हो, हमारी बातें समझ में आई हो, तो इस पर विचार करना और अपने काम को शुरू कर लेना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी गलती हो। जय हिंद।